प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को एनेक्सी सभागार में मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत 180 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के कुल 373 महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण एवं पर्यटन विकास कार्यों का शिलान्यास किया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री सहित अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री सहित अन्य अतिथियों द्वारा महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण एवं पर्यटन विकास कार्यों की विधानसभावार सूची तथा सरकार द्वारा कराए गए 4 वर्ष की उपलब्धियों के पुस्तक का विमोचन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री संवर्धन योजना संबंधित वीडियो तथा आओ यूपी चले नामक गीत का प्रदर्शन मुख्यमंत्री के सम्मुख किया गया। 19 मार्च को प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरा होने एवं शनिवार को 5वें वर्ष में प्रवेश करने पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 180 करोड़ रुपए की लागत से एक साथ कुल 373 पर्यटन योजनाओं के शिलान्यास किया गया। इस मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश आज विकास की निरंतर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उत्तर प्रदेश अपार संभावनाओं का प्रदेश है और यह प्रदेश समृद्ध राज्यों में खड़ा होने का सामर्थ्य रखता है। प्रदेश सरकार अपनी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पर्यटन स्थल धार्मिक व आस्था के सम्मान के साथ ही रोजगार का बड़ा माध्यम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1916 में जब गांधी जी काशी गए थे उस समय वहां के सकरी गली को देखकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को एक नए कलेवर के रूप में विकसित किया है। वहां पर्यटन के साथ साथ रोजगार की संभावनाएं बनी हैं। वहां टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर भी बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मंदिर में पहले चढ़ाए गए फूलों को फेंक दिया जाता था, लेकिन आज उसे एकत्रित कर स्वयं सहायता समूह द्वारा इत्र तैयार किया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2020 में कोरोना महामारी में व्यतीत हुआ है, लेकिन हम लोगों ने कोरोना की लड़ाई जीतने के साथ ही विकास को गति प्रदान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म की व्यापक संभावनाएं हैं। गोरखपुर में भी पर्यटन केंद्र विकसित हो रहे हैं। पर्यटन केंद्रों को अच्छी कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा जा रहा है। कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से शीघ्र ही वायु सेवाएं प्रारंभ होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वच्छता से ही इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी को नियंत्रित किया गया है। इस अवसर पर पर्यटन संस्कृति धर्मार्थ कार्य एवं प्रोटोकॉल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने मुख्यमंत्री सहित उपस्थित सभी का स्वागत करते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के रूप में विकसित हो रहा है। इस अवसर पर सदर सांसद रविकिशन शुक्ल, सांसद कमलेश पासवान, राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता एवं अन्य जनप्रतिनिधि के अलावा प्रमुख सचिव पर्यटन संस्कृति मुकेश मेश्राम, मंडलायुक्त जयंत नार्लिका, जिलाधिकारी के विजय पांडियन, MD पर्यटन रवि कुमार, NG सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। माननीय सांसद गोरखपुर श्री रविकिशन शुक्ला जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। राज्यसभा सांसद आपका अभिनंदन और श्री मुकेश कुमार मिश्रा जी प्रमुख सचिव पर्यटन एवं आपका बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम का शुभ सिद्धम सदाम सर्वकाल मंगल
नमामि हम मंगल दीपम, नमामि हम मंगल दीपम, नमामि हम। माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वागत और अभिनंदन। प्रिय है और खादी को बढ़ावा देने के लिए वो सदैव अग्रसर रहते हैं। एकल पुष्प के माध्यम से आपका स्वागत और अभिनंदन। निवेदन करूंगी को दूरवेद करने की अपेक्षा। चलिए पर्यटन विभाग के मुख्यमंत्री जी से कृपया आप उत्तर प्रदेश के लगभग प्रत्येक जनपद में कई महत्वपूर्ण धार्मिक
सांस्कृतिक, प्राकृतिक और प्राचीन महत्व के पर्यटन स्थल हैं। संवर्धन योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण एवं पर्यटन विकास कार्य और दूसरी पुस्तिका मान्यता के मजा चयनित स्थलों पर अवस्थापना सुविधाओं का निर्माण होने से यहाँ स्थानीय एवं घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिल सकेगा। अधिक से अधिक संख्या में अन्य प्रदेशों से भारतीय पर्यटक उत्तर प्रदेश भ्रमण उत्साहित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। उत्तर प्रदेश की आधारशिला रखने वाले हम सबके परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत प्रदेश के अंदर 373 पर्यटन योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मेरे साथ यहां पर उपस्थित प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, माननीय सांसद रविकिशन शुक्ला जी, माननीय सांसद कमलेश पासवान जी, माननीय सांसद श्री जयप्रकाश निषाद जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर और जिले के अध्यक्षगण श्री राजेश गुप्ता जी, युधिष्ठिर सिंह जी, प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति श्री मुकेश मिश्राम जी, आज के इस कार्यक्रम में वर्चुअली 403 विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े हुए हमारे माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से जुड़े हुए मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, बहुजन समाज पार्टी के नेता सदन श्री लालजी वर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के नेता श्रीमती आराधना मिश्रा जी और यहाँ पर मेरे साथ उपस्थित सभी उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं, भाइयों बहनों, कल हमारी सरकार के 5-4 वर्ष के कार्यकाल सफलतापूर्वक संपन्न होने के उपरांत आज हम 5वें वर्ष में प्रवेश किए हैं। मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूँ, प्रदेशवासियों का हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूँ, उन्हें बधाई भी देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। इसके साथ ही पर्यटन विभाग की 403 विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत कार्यों का शुभारंभ भी आज हो रहा है, जिसमें से कुछ कार्य पूरे हो चुके हैं, कुछ कार्य आज से प्रारंभ होने शुरू हो जाएंगे। एक साथ 180 करोड़ रुपए की लागत से 373 विधानसभा क्षेत्रों के कहीं पर धार्मिक पर्यटन से जुड़ा हुआ है, कहीं पे हेरिटेज पर्यटन से जुड़ा हुआ है, कहीं इको टूरिज्म से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी ऐसे महत्वपूर्ण स्थल के पर्यटन विकास से संबंधित ये सभी कार्य योजनाएं हैं जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने अपने प्रस्ताव में इस योजना के माध्यम से प्रस्तुत किए थे। आज इन सब का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम यहाँ पर एक साथ आयोजित हो रहा है। मैं इसके लिए सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। उनके प्रयास का परिणाम है कि आज विकास एक नई ऊंचाइयों की ओर छू रहा है। भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में ध्यान में रखना होगा कि उत्तर प्रदेश, जिसके बारे में हम बार बार कहते हैं कि अपार संभावनाओं वाला प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की संभावनाओं को ईमानदारी से समाज के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं हुआ, और अगर प्रयास हुआ होता
उत्तर प्रदेश विभारू राज्य नहीं होता। उत्तर प्रदेश देश की सबसे समृद्ध राज्यों में खड़ा होने की सामर्थ्य रखता है और चार वर्ष की इस कार्यावधि ने यह अपने आप में साबित किया है कि उत्तर प्रदेश जिन संभावनाओं के लिए जाना जाता था अपने उन संभावनाओं का भरपूर उपयोग करते हुए आज राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को स्थान दिलाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। अलग अलग फील्ड है लेकिन पर्यटन भी उसमें से एक माध्यम है। पर्यटन केवल धार्मिक दृष्टि से लोगों की आस्था का सम्मान करने तक सीमित नहीं है। आस्था का सम्मान करने के साथ ही पर्यटन हमारे लिए रोजगार सृजन का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने का भी बहुत बड़ा माध्यम है। याद करिए प्रयागराज कुंभ 2019 को। प्रयागराज कुंभ के पहले मैंने इस बारे में टीमें अलग अलग टीमें गठित की थी और मैंने इस बारे में कहा था कि कुंभ को हम एक यूनिक इवेंट बनाएंगे लेकिन साथ साथ सामाजिक जीवन में व्यवसायिक जीवन में अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है यह भी हमें उस टीम के द्वारा अवलोकन करना है। हमने कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को इसके साथ अध्ययन के लिए जोड़ा और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रयागराज कुंभ में प्रदेश सरकार के थोड़े से प्रयास से 24 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज कुंभ में भागीदार बने और जितने भी वहां के व्यवसायिक प्रतिष्ठान थे इनकी आमदनी अन्य कुंभों की तुलना में 3 गुना से लेकर के 15 गुना तक बढ़ी। खाती है कि लोगों को रोजगार भी मिला। आगे स्वच्छता कर्मी 20,000 स्वच्छता कर्मी थे आगे इसी समाज से तो थे। 10,000 सुरक्षा कर्मी थे इसी समाज से थे। अलग अलग तबके से जुड़े हुए लोग कोई गाइड का काम कर रहा है कोई हलवाई का काम कर रहा है कोई नाविक का काम कर रहा है कोई मैंने जिस भी नाविक से पूछा भाई कितना आपने मुनाफा कमाया है वो कहता था साहब पहले हम लोग पूरे कुंभ के दौरान 10,000-15,000 कमाते थे लेकिन इस बार हमारी कमाई 5 लाख से लेकर 10 लाख तक 15 लाख तक थी। ये चीजें दिखती है कि हर एक तबके पर इसका कैसा प्रभाव पड़ता है। ये इसलिए सरकार ने इस प्रकार का मंच दिया कुछ संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ समाज ने मिलकर के इस पूरे आयोजन को एक भव्य आयोजन और दिव्य आयोजन के रूप में बदला तो पर्यटन की संभावना विकास की एक नई ऊंचाई तक प्रदेश का नाम भी वैश्विक मंच पर हुआ कि उत्तर प्रदेश ने कुंभ के आयोजन को इतनी भव्यता और दिव्यता के साथ किया कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन गया और ये आयोजन इतना भव्य और इतना दिव्य बन गया कि आज इसका परिणाम हम सबके सामने है। यही प्रयास काशी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के साथ जोड़ा। याद करिए काशी में काशी की पहचान भगवान विश्वनाथ जी से 1916 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो रहा था उस समय काशी गए और काशी में उस समय बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए जब गए तो संकरी गली और गंदगी को देख करके गांधी जी ने बहुत तीखी टिप्पणी की थी। उनका वो ऑडियो आज भी है जिसमें वह वहां के लोगों को कोस रहे हैं और कह रहे हैं कि कितनी संकरी गली है कितनी गंदगी है प्रसाद में मक्खियां भी बना रही है और इसी प्रसाद को रोक देंगे कैसे वो स्वस्थ रह पाएगा। बापू ने आज से 100 साल पहले ये बात कही थी लेकिन काशी को एक नए कलेवर के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज वैश्विक पटल पर रखा और भाइयों बहनों आज जब काशी नए कलेवर के रूप में सामने आई है तो वहां पर पर्यटन की संभावनाएं बढ़ी है रोजगार की संभावनाएं बढ़ी है। काशी में हम लोगों ने एक फैसिलिटेशन सेंटर काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में बनाया है और उस समय केवल श्रद्धालु जनों को एक व्यवस्था दे दी। व्यवस्था ये थी कि कोई भी श्रद्धालु आएगा तो आकर के वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके उसको अगर कोई सहायता चाहिए वहां से सहायता उसको मिल जाएगी
और फिर उसके माध्यम से व्यवस्था आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ हुआ। टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर, और इस टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर ने वहां पर रोजगार भी दिया और रोजगार के साथ साथ स्वयं अपनी आय भी बढ़ाई। लगभग 1 करोड़ रुपए सालाना अतिरिक्त लाभ काशी विश्वनाथ मंदिर को पूर्वा टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर से प्राप्त हुआ। और नहीं नहीं जिस कार्य को लेकर के पहले लोग पूछते थे कि साहब हम जाते हैं पंडे हमें परेशान कर देते हैं, जबरदस्ती पैसा मांगते हैं, टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर ने क्या काम किया? उन्होंने कहा जितने भी ऐसे लोग थे उसे कहा कि भाई देखो तुमको किसी से पैसा नहीं मांगोगे, हम तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तुम्हारी ट्रेनिंग करवाएंगे, तुम्हें यूनिफॉर्म देंगे, तुम्हें हिंदी इंग्लिश संस्कृत की जानकारी होनी चाहिए और इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग कराएंगे, और प्रॉपर ट्रेनिंग कराने के बाद हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास स्लिप लेके जो आएगा आपको उसको पूजा करवाना है। उससे कुछ मांगना नहीं, किसी से कुछ नहीं मांगना है, ना कोई देगा तो भी देगा नहीं। प्रारंभ में हम लोगों को भय लगता था कि पता नहीं इसमें क्या होगा, एक तो मंदिर को ही पैसा देना पड़ेगा या प्रशासन को पैसा देना पड़ेगा। 130 से अधिक ऐसे लोगों को उससे वहां रोजगार मिला जो वहां पे 25,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। ये है परिवर्तन, ये रोजगार। इस समाज का वह युवा इससे रोजगार प्राप्त करता है। मंदिर में जो पुष्प चढ़ते हैं ये पुष्प वेस्ट हो जाते हैं, मंदिर के पुष्प चढ़े अगले दिन गंगा जी में प्रवाहित करते हैं, गंगा जी भी प्रदूषित होती थी उसका तिरस्कार होता था। मंदिर व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों ने उन सभी पुष्पों को एकत्र किया और एकत्र करके चंदौली के नक्सल प्रभावित गांव को इसके साथ जोड़ा और वहां की महिला स्वयंसेवी समूह को इसमें प्रशिक्षित किया। उनसे कहा गया कि जितने भी पुष्प आएंगे इन सभी पुष्पों को तुम्हें एकत्र करके इसे इत्र बनाना है, धूप और अगरबत्ती बनाना है। उसमें से प्रत्येक महिला आज हर महीने 7,000 से लेकर 15,000 रुपए कमा रही है, उस गांव की महिलाएं कमा रही हैं। एक धार्मिक स्थल या एक पर्यटन एक केंद्र, एक धार्मिक स्थल कितने लोगों के पर्यटन और आजीविका का आधार सम्मानजनक ढंग से बन सकता है अगर हम उसको सिस्टम के साथ जोड़ सके तो ये कार्य बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ सकता है। और यही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर प्रारंभ किया। पिछला एक वर्ष पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर कोरोना महामारी से लड़ते हुए जूझते हुए बीता है। इस सब के बावजूद लोगों की जीवेशा ने, जूझने की प्रवृत्ति ने उन्हें एक नया उत्साह उमंग दिया। कोरोना से ही लड़ाई जीतते रहे, लड़ते रहे और साथ साथ इस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाते रहे। आज ये तय किया गया कि हर हाल में हम लोग इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन की योजना 2019 में प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की। पर्यटन संवर्धन की इस योजना के पीछे का हेतु यही है, स्वाभाविक रूप से जनता के जो प्रतिनिधि हैं, माननीय सांसद, माननीय विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि, इनके ऊपर बड़ा दायित्व होता है, जनता अपेक्षा रखती है। और इसलिए प्रत्येक माननीय विधायक से जिम्मेदारी दी गई कि वह इस बात को सुनिश्चित करें कि हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक ऐसे पर्यटन केंद्र के सुंदरीकरण की योजना को वह हाथ में ले जिसमें कुछ पैसा राज्य सरकार देगी, कुछ पैसा वे लोग सीएसआर से और जन सहयोग से उसमें लगाएंगे और उस पर्यटन केंद्र को एक विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके लोगों के आवागमन के, पर्यटन के आवागमन का एक केंद्र बिंदु बनाएंगे। आज आप देख रहे होंगे कि एक साथ 373 ऐसे केंद्रों के सुंदरीकरण के कार्य का शुभारंभ या लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पर एक साथ हो रहा है। इसमें कोई भेदभाव नहीं रखा है, कोई भी पार्टी हो अगर वह लोकहित में, जनहित में काम करना चाहते हैं तो वह कार्य सरकार की व्यवस्था का हिस्सा होता है, सरकार उसमें भरपूर सहयोग करेगी। जिन भी माननीय विधायकों ने समय से अपने प्रस्ताव भेज दिए
वे प्रस्ताव स्वीकृत हुए और उन पर कार्य प्रारंभ हुआ है या कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। इसलिए मैं इस बात को देखता हूं, प्रदेश सरकार ने थोड़ा प्रयास किया। याद करिए अयोध्या को 2017 के पहले सरकार का कोई प्रतिनिधि अयोध्या जाने से घबराता था। हमने दीपोत्सव का आयोजन किया, दीपोत्सव के आयोजन के पहले लोग हमसे कहते थे ये क्या कर रहे हैं, अयोध्या के बारे में लोगों की धारणाएं अच्छी नहीं बनती थी। लेकिन हमने कहा कि नहीं, अयोध्या हमारी पहचान है, अयोध्या दीपोत्सव के माध्यम से दीपावली का आयोजन अयोध्या के साथ जुड़ता है, हम लोग अयोध्या के साथ इस आयोजन को जोड़ेंगे और वैश्विक पटल पर अयोध्या को लेकर के जाएंगे। दीपोत्सव का पहला आयोजन 2017 में प्रारंभ हुआ और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, दीपोत्सव का यह भव्य आयोजन दुनिया का एक अपने आप में ब्रेड एक आयोजन वैश्विक आयोजन बन चुका है। इस आयोजन में साउथ कोरिया की प्रथम महिला 2018 में आई, फिजी की उप प्रधानमंत्री 2019 में आई, 2020 में कोरोना महामारी के कारण हम लोगों ने किसी बाहरी अतिथि को उसमें आमंत्रित नहीं किया, लेकिन आपने देखा होगा आयोजन की भव्यता दिव्यता सबने देखी होगी। अयोध्या आज एक नए रूप में दुनिया के सामने, काशी के बाद अब अयोध्या वैश्विक मानचित्र पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। वैश्विक मानचित्र पर काशी की ये नई पहचान, अयोध्या की नई पहचान, मथुरा वृंदावन, अभी 22 और 23 तारीख को बरसाना की रंगोत्सव का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ होगा। देश और दुनिया का लाखों श्रद्धालु पर्यटक वहां पर आता है। आखिर जब कोई पर्यटक आएगा वहां पर ही वह सामान खरीदेगा, वहां पर जो भी सामग्री है रुकेगा तो मार्केट में नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ खरीदारी करेगा, कोई भोजन लेगा, कोई जलपान लेगा, कोई कपड़ा लेगा, कोई माला लेगा, कोई अन्य सामान खरीदेगा, कुछ ना कुछ खरीदेगा। ये सभी एक दूसरे के साथ जुड़ती हुई दिखाई देती, चेन मार्केट की एक चेन बनती है और ये मार्केट की चेन हर एक नागरिक को उसके साथ जोड़ती हुई दिखाई देती है और यही कार्य प्रदेश के अंदर हुआ। आज चित्रकूट में आप जाइए, आज नेविस तीर्थ में आप जाइए, सुख तीर्थ में आप जाइए, हर एक जगह कुछ ना कुछ हुआ। और ये कार्य हम लोगों ने गोरखपुर में जटाशंकर गुरुद्वारा के लिए भी, मोहद्दीपुर गुरुद्वारा में भी, अन्य धार्मिक स्थलों में भी, और कालीबाड़ी के बाबा के यहां भी किया था, कालीबाड़ी के मंदिर में भी हम लोगों ने पैसा दिया था, पता नहीं वो पैसा कितना था, वो करोड़ों में कहते हैं, मुझे जानकारी है वो करोड़ नहीं थे मालूम में था, लेकिन यह है कि कालीबाड़ी के बाबा को बदनाम कर दिया गया। लेकिन कार्य हुआ वहां पर, हर एक जगह कुछ ना कुछ कार्य हुआ। पर्यटन संवर्धन की योजनाओं का परिणाम है कि आज आप जाके देखेंगे कि मगहर में वहां पर संत कबीर दास जी के स्थल पर एक सोत पीठ की स्थापना हो रही है, बहुत अच्छे केंद्र की स्थापना हो रही है, कबीर पर सोत का एक केंद्र बिंदु बनेगा। मैं भी गोरखपुर विश्वविद्यालय से आ रहा हूं, वहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी महावीरपुर गोरखनाथ सोत पीठ गोरखपुर विश्वविद्यालय के द्वारा प्रारंभ की गई है। ऐसे ही अन्य स्थलों पर भी ये कार्यक्रम आगे बढ़े, निरंतर चलिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हम लोगों ने वैदिक शोध, वैदिक विज्ञान की एक शोध का केंद्र वहां पर स्थापित किया है और तेजी के साथ वहां पर अपना कार्य करना प्रारंभ किया है। पर्यटन संवर्धन के साथ साथ भारत की परंपरा के साथ जुड़े हुए स्थलों के विकास की कार्य योजना को आगे बढ़ाना और सरकार के सकारात्मक रूप ने समाज के हरेक तबके को न केवल आस्था का सम्मान दिया है बल्कि उसके रोजी रोजगार की व्यवस्था भी इसके माध्यम से की है। और हमारे ये पर्यटन स्थल आस्था के केंद्र बिंदु होने के साथ साथ पर्यटन की संभावनाओं को आगे बढ़ाने और उसके माध्यम से रोजगार सृजन के भी माध्यम बने हैं, जिसमें हम लोगों ने आजीविका की व्यवस्था भी इसके माध्यम से की है। ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है, उत्तर प्रदेश में हर प्रकार की पर्यटन की व्यापक संभावनाएं हैं। रामायण सर्किट का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश है,
कृष्णा सर्किट का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश है, बौद्ध सर्किट का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश है, जैनिक तीर्थ सर्किट का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश है, आध्यात्मिक सर्किट का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश है, और प्रदेश में शक्ति पीठों की परंपरा भी इस व्यवस्था को आगे बढ़ाता है। हमारे पास इको टूरिज्म की व्यापक संभावनाएं हैं और इन व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए ही आज प्रदेश सरकार ने व्यापक पैमाने पर अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया है। जहां से भी जिन माननीय विधायकों के प्रस्ताव आए थे उनको स्वीकृति दी गई है और बाकी जो बचे हुए उनके भी जो प्रस्ताव आएंगे उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। पर्यटन की संभावनाओं को अगर हम देख सकेंगे, मेरा अनुरोध होगा सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से, क्या स्थानीय स्तर पर जो उस मंदिर की व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, अगर स्थानीय स्तर पर उनके साथ बैठ करके कार्य योजना तैयार करें कि वे देखो पंडागिरी न हो लेकिन जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर में पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ने टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर बना करके एक सिस्टम के साथ उस व्यवस्था को जोड़ा, वहां पर तमाम लोगों को रोजगार और नौकरी भी बढ़ी, संभावनाएं भी उसमें व्यापक बनी, आने वाले श्रद्धालु की आस्था को भी ठेस नहीं पहुंचा और व्यवस्था तेजी के साथ आगे बढ़ती भी दिखाई। ऐसे ही अन्य स्थलों पर भी चीजें हुई, हर एक जगह इस प्रकार का कार्य किया जा सकता है। जैसे काशी में मंदिर में चढ़ने वाले पुष्प अब फेंके नहीं जाएंगे बल्कि उससे इत्र भी बन सकता है, धूप भी बन सकता है, अगरबत्ती भी बन सकती है, और वो चीजें वेस्ट में जाएंगे और कंपोस्ट बनकर के खेतों में जाकर के अन्नदाता किसानों के खेतों की अन्न उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने में अपना योगदान देगा। ये सभी एक साथ जुड़ करके एक जीवन चक्र की एक चेन बनती भी दिखाई देती है और ये जीवन चक्र की ये चेन ही वास्तविक जीवन है और इसी पर हम सबका भविष्य टिका हुआ है। हम सबको इस परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य करना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में ये सभी कार्य बहुत हमारे विधायकों की रुचि के कारण अच्छे ढंग से आगे बढ़े हैं। गोरखपुर में भी तमाम पर्यटन स्थलों के केंद्र ये विकसित होते हुए दिखाई दे रहे हैं या उनका कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। मुझे विश्वास है कि सभी माननीय विधायक अपने अपने क्षेत्रों की मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन की योजनाओं को मूर्त रूप देते हुए इसे तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से पर्यटन विकास की सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का जो कार्य प्रारंभ हुआ है, अब तो हम लोग पर्यटन केंद्रों को अच्छी कनेक्टिविटी के साथ भी जोड़ रहे हैं। आपने देखा होगा अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा बन रहा है। हमारा प्रयास है कि बहुत शीघ्र हम वहां पर ATR जो 72 सीटर विमान है इसको उतारने की तैयारी कर रहे हैं। उसी नगर में बहुत पर्यटकों की जिससे अंतरराष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ होने जा रही है, एयरपोर्ट बनकर तैयार है और बहुत शीघ्र वहां पर अंतरराष्ट्रीय वायु सेवा को उसके साथ हम उसको जोड़ने जा रहे हैं। बाकी गोरखपुर वायु सेवा के साथ जुड़ चुका, पहले जुड़ चुका है, काशी पहले से जुड़ा हुआ है, लखनऊ पहले से जुड़ा है, कुंभ के समय हम लोगों ने प्रयागराज को जोड़ा था, चित्रकूट में हिल टॉप यानी पहाड़ी की चोटी पर बहुत शानदार एयरपोर्ट हमारा वहां बन रहा है, सोनभद्र में एयरपोर्ट बन रहा है, आजमगढ़ में एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, श्रावस्ती में एयरपोर्ट का निर्माण चल रहा है, सहारनपुर में, अलीगढ़ में, मेरठ में, मुरादाबाद में, ललितपुर में, हरेक स्थान पर आगरा और बरेली का एयरपोर्ट, हिंडन का एयरपोर्ट पहले से ही फंक्शनल हो चुके हैं। ये सभी युद्ध स्तर पर बढ़ते हुए कार्य और पर्यटन संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य इसके माध्यम से किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि सभी जनप्रतिनिधिगण अपने अपने क्षेत्रों में मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन की इस योजना को मूर्त रूप युद्ध स्तर पर देने में सफल होंगे और उसके माध्यम से पर्यटन की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम इसके लिए भी प्रतिक्रिया हो सकती है। खासतौर पर जैसे बहुत सारी जगह लोग साप्ताहिक सत्संग का कार्यक्रम रख लेते हैं, बहुत सारी जगह ब्रह्म मुहूर्त में संकीर्तन का कार्यक्रम रख लेते हैं, किसी मोहल्ले में भ्रमण करते हुए कीर्तन करते हुए लोग जा रहे हैं, एक वातावरण सुबह का वातावरण अपने आप में सुहावना वातावरण, उस वातावरण में संकीर्तन का कार्यक्रम अपने आप में एक नई ऊर्जा का संचार करता है, लोगों को आकर्षित अपनी तरफ करता है।
ऐसे ही अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग समय में हो सकते हैं। और इसके साथ अगर हम स्वच्छता को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देंगे, याद करना स्वच्छता के हमारे जीवन में कितना महत्व है, पूर्वी उत्तर प्रदेश से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। हम लोगों ने स्वच्छता और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के माध्यम से इंसेफ्लाइटिस की बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण करने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की है। और हमारे धार्मिक स्थलों में आज आप गोरखनाथ मंदिर में जाते होंगे कभी, आप देखते होंगे कितना साफ सुथरा रहता है, कितना साफ सुथरा रहता है, पहले से मंदिर की व्यवस्था का एक हिस्सा है स्वच्छता। और इस स्वच्छता बाहर के कर्मी कम, इसमें मंदिर का प्रत्येक कर्मचारी स्वतः ही सफाई के साथ जुड़ता है, वह स्वच्छता के अभियान के साथ जुड़ता है, तब उसमें सफलता प्राप्त होती है। लेकिन मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि हम सब कुछ ना कुछ नयातम पर्यटन केंद्रों के साथ जुड़े, जो पर्यटन केंद्र में विकास की संभावना उन जनप्रतिनिधियों के साथ जुड़ सके और वह आपको भी एक पहचान दिला सके। इन्हीं सपनों के साथ मैं सभी मान्य जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, प्रदेश वासियों को भी हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि पर्यटन संभावनाओं की इन सभी योजनाओं के माध्यम से हम लोग आम जन की आस्था का सम्मान करने के साथ साथ रोजगार सृजन के एक बेहतर माध्यम को भी आगे बढ़ाने में हम लोग सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। आपकी प्रेरणादायी उद्बोधन और दोषपूर्ण वाणी के लिए सदैव की भांति आप हमें बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।